हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको प्लीट्स बनाने नहीं आती है। तो अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी प्लीट्स बनाने नहीं आती, तो यहां पर मैं शोल्डर की प्लीट्स बनाने की दो बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप प्लीट को फटाफट से और आसानी से बना सकती हैं अगर आप बिगनर हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। अब ये जो पेटीकोट है, ये शेप वेयर पेटीकोट है जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक में आती है। इसमें ऊपर की तरफ डोरी होती है एंड नीचे से काफ़ी अच्छा फ्लेयर होता है, जिसके कारण आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इस पेटीकोट को फिस्कट स्टाइल शेप वेयर पेटीकोट बोलते हैं। इसे मैंने मीशो से लिया है, तो आपको बाइंग कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपनी साड़ी को ओपन करेंगे। सो ये वाला पोर्शन हमारी साड़ी का पल्लू है, तो कभी भी आपको साड़ी को उसके नॉन पल्लू साइड से ड्रॉप करना होता है, तो आप लेफ्ट साइड की तरफ पल्लू वाले पोर्शन को रखते हुए खोलते जाएंगी और साड़ी के एंड पार्ट पे आपको जाना है। अब इस साड़ी को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, आपको बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस साड़ी का एंड पार्ट है, तो यहीं से हम साड़ी को ड्रॉप करना शुरू करेंगे। अब जनरली हम राइट से टक करते हैं, बट चलने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, नेवल के चार अंगुल राइट में जाकर टकिंग को स्टार्ट करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आपको एकदम मिड से टकिंग को स्टार्ट नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपको नहीं करना है, आप जब भी टकिंग को स्टार्ट करेंगे या तो राइट से कीजिए या तो नेवल के चार अंगुल राइट में जाकर। अब मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए मैं राइट से टकिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। सो पहले राइट में टक करना है साड़ी के कॉर्नर को, इसके बाद लेफ्ट में। अब दोनों तरफ टकिंग हो जाने के बाद सामने का जो पार्ट आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको अच्छे से आपको अंदर की तरफ इंसर्ट करना है पेटीकोट में, ताकि सामने की तरफ फंस के फैब्रिक टमी के पास फुली फुली ना दिखे। अब जब सामने का पार्ट अच्छे से टक हो जाएगा, तो साड़ी को इस तरीके से लेते हुए वन राउंड लेंगे। एंड यहाँ राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करेंगे। सो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट राउंड की टकिंग है, वो काफ़ी नीट, क्लीन एंड टाइट फिटिंग हो जाती है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट नज़र आता है। अब जब हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग कम्प्लीट हो जाती है, तो हम साड़ी को इस तरीके से लेते हुए पल्लू वाले पोर्शन पर जाएंगे। डायरेक्ट नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से आपकी उलट पुलट हो सकती है। तो ये देखिए पल्लू वाला पोर्शन है, बाकी साड़ियों को आपको सामने छोड़ना है। पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, पल्लू बनाने के लिए हम दो ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रिक है वो देखिए, लेफ्ट हैंड के फैब्रिक को हमने छोड़ दिया है और पल्लू का दूसरा कॉर्नर हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया है। अब आप राइट या लेफ्ट कहीं से भी प्लीट उठा सकती हैं, मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड से प्लीट उठाने वाली हूँ। तो देखिए, लेफ्ट हैंड का जो पल्लू का कॉर्नर है, इस तरीके से टमी के ऊपर रखना है और देखना है कि हमें कितनी चौड़ी प्लीट बनानी है। सो प्लीट उठाने के लिए देखिए, हमने स्टार्टिंग में हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ दिया है, स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ लिया है, फिर सामने की टू फिंगर में कैंची की तरह करते हुए फैब्रिक को फंसाते हुए हम वन बाई वन प्लीट बना रहे हैं। आप अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग प्लीट रखिएगा, बट फर्स्ट प्लीट आपको हाफ इंच हमेशा चौड़ी रखनी है। अब जब आप प्लीट बनाते हुए आएंगे, तो लास्ट वाला जो प्लीट का डायरेक्शन है, वो आपका इस तरीके से राइट की तरफ होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं इसे इस तरीके से हल्की सी चौड़ी कर लूँगी लास्ट के प्लीट। और देखिए, ये हमारा मैनेज हो गया, बट फिर भी फ्रंट से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रंट प्लीट चौड़ी रखी है। अब यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे, ताकि हम प्लीट को अपनी सेट कर पाए अच्छे से। अब प्लीट सिक्योर हो गई है, तो हम इजीली से इसे सेट करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड में पकड़ते इस तरीके से शेक करना है प्लीट्स को पकड़ के इस तरह से। एंड इसके बाद थोड़ी सी दूरी पे देखिएगा, साइड से हम वन बाय वन छटकते हुए एक एक प्लीट को अरेंज करेंगे। एक बार में हम शोल्डर की प्लीट नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप सेट करेंगे तो ईजिली से बन जाएगी। सो इतना पार्ट देखिए हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब टमी के ठीक सामने रखते हुए हम रब करेंगे, ताकि जो फूला फूला है ना, इसका टेक्स्चर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से प्लीट बैठ जाएगी। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू को आगे करते हुए इस तरीके से झटक देंगे, और फिर थोड़ी सी दूर पे साइड से हम वन बाय वन झटकते हुए प्लीट्स को अरेंज करेंगे। सो अगर आप बिगनर हैं, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए, इतना पार्ट हमारा फिर से रेडी हो गया। लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते जाएंगे, फैब्रिक को आगे लेकर आते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए जब आप झटकेंगी, तो आगे की प्लीट्स नज़र आने लगेगी और इस तरह से आपकी प्लीट्स इजिली से बनती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्लीट्स बना लिया है। आप लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ देख लेंगे, तो अगर आपको टॉल लुक चाहिए, तो घुटने से नीचे पल्लू की लेंथ रखिएगा। इसके बाद सेफ्टी पिन के हेल्प से हम ब्लाउज के शोल्डर में सिक्योर कर लेंगे। बट ये हमारा फर्स्ट तरीका था, मैं आपको सेकंड ट्रिक दिखाऊंगी शोल्डर की प्लीट्स बनाने की, जिससे आपकी प्लीट्स फटाफट से और इजीली से बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पल्लू वाले पोर्शन को इस तरीके से पकड़ना है और अपने वन हैंड जितना आपका हाथ जो है ना, उससे एक हाथ पूरा आपको मेज़र कर लेना है एंड इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है।
अब जब आप फोल्ड करेंगी तो देखिए इस तरह से आपका पल्लू डबल फोल्ड में है। अंदर साइड की तरफ जो हमने पकड़ा है उसे छोड़ेंगे और पल्लू का जो सामने बंद वाला पोर्शन है इसे पकड़ लेंगे। अब पल्लू हमारा डबल लेयर में आ गया है। अब आप लेफ्ट राइट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं, तो मैं अब राइट से दिखाऊंगी क्योंकि पहले मैंने लेफ्ट से दिखाया है। प्रोसेस आपका सेम ही होता है, चाहे आप लेफ्ट से बनाइए या फिर राइट हैंड से। तो इतना फैब्रिक आपको पकड़ लेना है इस तरह से, और यहाँ जो सामने की टू फिंगर है उसे फैब्रिक को पकड़ना है। बैक के स्मॉल फिंगर और थंब से इस तरीके से दबाते हुए वन बाई वन हम प्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हम प्लीट बनाते हैं तो देखिए इस तरह से हाथ को फैलाएंगे और एक बराबर फैब्रिक को पकड़ेंगे ताकि हमारी प्लीट बिल्कुल इक्वल बने, नहीं तो वो अनइवन हो जाएगी, आपके ऊपर नीचे होगी तो फैब्रिक। इसलिए फैब्रिक को एकदम सीधा करते हुए इस तरीके से प्लीट्स बनाएं। जो फ्रंट प्लीट यानी जो अभी प्लीट देखिए बनी, इसका डायरेक्शन आपका लेफ्ट की तरफ होगा और ये बाकी की प्लीट से हाफ इंच चौड़ी होगी, बट मेरी ज़्यादा चौड़ी थी तो मैं इसके अंदर वाली प्लीट को भी थोड़ी सी और चौड़ी कर ली हूँ। तो इस तरीके से प्लीट्स को आपको हमेशा मैनेज कर लेना है। प्लीट्स हमारी बन चुकी है तो यहाँ पर हम सिक्योर नहीं करेंगे। देखिएगा इस तरह से अपने लेफ्ट वाले हैंड में अच्छे से दबाकर पकड़ लेना है और यहाँ पर देखिए आपकी प्लीट जहाँ तक डबल लेयर में है ना, उसके आगे फैब्रिक को पकड़ना है और झटकना है इस तरीके से। जैसे आप झटकेंगी तो देखिए आपकी एक लेयर निकल गई है। अब आपको इस प्लीट्स को अरेंज करना है। तो ये जो आपका फैब्रिक निकला है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़कर प्लीट्स अरेंज कर सकती हैं, बट कई बार क्या होता है दिक्कत आती है, तो आप लेफ्ट वाले हैंड पे रख लीजिए और उसके बाद से इस तरीके से चेक करते हुए आगे की प्लीट को सेट कीजिए। तो बस प्रोसेस देखिए ये सेम ही है, साइड से थोड़ी सी दूरी पे वन बाय वन प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए हम अरेंज करेंगे। सो इस ट्रिक से अगर आप प्लीट बनाती हैं ना, तो आपकी एक ही बार में शोल्डर की प्लीट्स एकदम एक बराबर बन जाती है। सो देखिए हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अब हमने जो लेफ्ट हैंड में पल्लू की प्लीट्स को पकड़ा हुआ है ना, जो ऊपर मुट्ठी में दबाया हुआ है, वहाँ पर देखिए हमें इसे छोड़ना होगा। जैसे आप छोड़ेंगी देखेंगी कि आपका एक ही बार में पल्लू बन चुका है। अब ये थोड़ा बहुत मैशी सा लग रहा है, तो आपको थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से साइड से वन बाय वन अरेंज करके और एक बार बस हैंड से इस तरीके से प्रेस कर लेना है और एक ही बार में देखिए हमारी शोल्डर की प्लीट कितनी अच्छे से बन गई है। अब हम अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ देख लेंगे। तो अगर आपको टॉल दिखना है तो लॉन्ग ही रखिए, जैसे कि मैं रख रही हूँ घुटने से नीचे। एंड इसके बाद ब्लाउज के शोल्डर में हम सेफ्टी पिन के हेल्प से पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी आप सेफ्टी पिन लगाएं तो जो आपके ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है उससे एक या दो इंच बैक में जाना है। पल्लू की प्लीट्स एंड ब्लाउज के फैब्रिक को एक साथ पकड़ना है, सेफ्टी पिन को अंदर से इंसर्ट करना है। जब उसकी शार्पनेस बाहर की तरफ आ जाए तो फिर थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक कर लेना है। तो इस तरीके से इजली से आपकी सेफ्टी पिन लग जाती है। सो इस तरह से हमारा पल्लू यहाँ पर अच्छे से सिक्योर हो गया है। अगर आप ऐसे सेफ्टी पिन लगाएंगी तो आपका पल्लू सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा। अब यहाँ सामने की तरफ आएंगे और टमी तक देखिए आपको प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेना है। एंड इसके बाद पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर अपने बस्ट एरिया पे सेट करना है। मैं थोड़ा सा क्रॉस में सेट कर रही हूँ और बिल्कुल भी मेरे नेक के पास नहीं चिपक रही है, तो इसलिए मैं बैक से घुमाते हुए फैब्रिक को सामने की तरफ लेकर आऊँगी। एंड यहाँ पर हम अपने हिप वाले पोर्शन पे इसे अच्छे से सेट करेंगे। सो यहाँ पर आपको देखना है आपका बॉर्डर कहीं मुड़ा हुआ ना हो, इस तरह से सेट करते हुए राइट वाले पैर तक लेकर जाना है। बॉर्डर को अच्छे से बस्ट एरिया पे सेट कीजिएगा और हिप वाले पोर्शन पे। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए अपनी नेवल के ठीक सामने एक फिंगर को रखना है एंड उसको क्रॉस कराते हुए अपनी जो साड़ी का बॉर्डर है उसको लेकर जाना है। एंड इसके बाद ये जो घुटना है आपको थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ना है ताकि हिप वाला जो पोर्शन अच्छे से सेट हो जाए। एंड इसके बाद थोड़ा सा दूरी पे देखिए फैब्रिक को पकड़ना है। पहले तो ऊपर के साइड पकड़ेंगे, फिर थोड़ी सी दूरी पे राइट वाले हैंड में पकड़ते हुए राइट की तरफ खींचेंगे तो पतली पतली प्लीटें बन जाएगी। जो ये प्लीटें बनती इन्हें पकड़ लेना अच्छे से। एंड इसके बाद देखिए हमारा हिप वाला पोर्शन फिटेड हो गया है। अब थंब को पेटीकोट के अंदर से इंसर्ट करते हुए प्लीट को पकड़ लेना है। बड़ी सी सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन में मैंने यहाँ पर प्लास्टिक अटैच किया था ताकि साड़ी फंस के ना फटे। तो आप जब सेफ्टी पिन लगाएंगी पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग स्टाइल में लगाइएगा, जैसे कि स्टिचिंग करते हो, ताकि साड़ी फटने की चांस ही ना रहे। एंड यहाँ पर देखिए जब आप प्लीट को टक करेंगी तो आपका साइड से केवल बॉर्डर ही हाईलाइट होगा, तो इसलिए फिंगर को लगाकर ही हमेशा अपने बॉर्डर को सेट करें। एंड जो साइड की प्लीटें आई है इन्हें भी अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो हिप वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हमें प्लीटें बनानी है। सो यहाँ पर आप राइट या फिर लेफ्ट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। अगर आप राइट से उठाती हैं तो नेवल के चार अंगुल आगे जाते हो, आपको प्लीट उठानी है। एंड अगर आप अंदर साइड से उठाती हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपको फैब्रिक अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मेजर करते हुए अंदर की तरफ छोड़ना होगा।
एंड इसके बाद से आप प्लेट उठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल फिंगर और थंब से पकड़ना है, सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाना है एंड इसके बाद आपको उठानी है प्लेट इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम वन बाई वन करते हुए जिगजैग प्लेट उठाएंगे, सामने की टू फिंगर को कैंची की तरह कर लेना है और उसमें प्लेट को फंसाते जाना है, बैक के स्मॉल फिंगर थंब से दबाते हुए वन बाई वन प्लेट बनाएंगे। अगर आपके कई बार फिंगर नहीं निकलती है तो देखिए कैसे मैं दबा के निकाल लूँगी थंब वाले पोर्शन को, तो अभी निकाल सकती हैं। अब लास्ट में प्लेट नहीं बन रही थी तो उसकी हम ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे, जितनी बनी इन्हें अच्छे से हम झटक देंगे एंड इसके बाद ऊपर से हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए हमें प्लेट को अरेंज करना है ताकि सभी प्लेट अच्छे से हाईलाइट हो। तो यहाँ पर देखिए प्लेट हमारी अरेंज हो गई है, अब सभी प्लेट को पकड़ लेंगे, केवल फर्स्ट वाली प्लेट को ओपन करेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए फर्स्ट प्लेट को हम चौड़ी करेंगे। तो कभी भी हमें फर्स्ट प्लेट चौड़ी बनानी होती है ताकि बाकी के प्लेट्स के साथ अच्छे से सेट रहे एंड राइट साइड का ऐसा करने से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैनेज हो जाता है। अब अंदर से एक एक प्लेट को हमने पकड़ लिया है एंड इसके बाद थोड़ा सा झटक देंगे। यहाँ पर नीचे से देखेंगे प्लीट अभी फ्लफी फ्लफी है तो हम उससे बाद में सेट करेंगे, पहले हमें इन प्लीट को सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए थोड़ी सी दूरी पे साइड से हम वन बाय वन प्लीट को अरेंज करेंगे। अरेंज हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसे प्रेस करना है हैंड से इस तरह से ताकि अच्छे से बैठ जाए एंड यहाँ पर मैं सिक्योर कर रही हूँ साड़ी पिन की हेल्प से। अगर आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं सेफ्टी पिन अवॉइड करती हूँ ताकि हमारी साड़ी ख़राब ना हो। अब प्लीट सिक्योर हो गई है तो इसे हमें सेट करना है। सेट करने के लिए देखिए आपके हैंड जहाँ तक जा रहे हैं ना वहीं तक आप साइड से वन बाई वन प्लीट को अरेंज कीजिए। इस तरह से अरेंज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योर करना है। अब सिक्योर करने के लिए मैं सेम साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, आप कपड़े वाली चिमटी का भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से सिक्योर हो जाने के बाद हैंड से प्रेस करना है ताकि प्लेट अच्छे से बैठ जाए एंड इसके बाद से हम आएंगे नीचे की तरफ। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है, थोड़ी सी दूरी पर साइड से वन बाई वन प्लेट को अरेंज करना है एंड इसके बाद हैंड से प्रेस करना है। इस तरीके से अगर आप सिल्क की साड़ी को प्रेस कर देती हैं ना आपकी प्लीट काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगी। सो यहाँ पर देखिए हमारी प्लीट काफ़ी अच्छे से बैठ चुकी है। अब प्लीट को नेवल के ठीक सामने रखते हुए मेजर करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। फाइनली वहीं पर हम साइड से वन बाई वन प्लीट को अरेंज करेंगे। प्लीट अरेंज हो जाने के बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए देखिए फर्स्ट वाली जो चौड़ी प्लीट है उसे मैंने थोड़ा ऊपर खींचा है एंड इसके बाद पेटीकोट में प्लीट को टकिंग कर लिया है। प्लीट्स टक हो जाने के बाद राइट साइड में जो थोड़ा बहुत ओपन पार्ट रह जाता है उसे टकिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्लीट आपके राइट की तरफ ना भागे, ना ही नीचे से फैब्रिक ऊपर की तरफ उठे। तो जो फैब्रिक जहाँ है वहीं इस तरीके से टक करते हुए हैंड से प्रेस कर लेना है, बैक साइड से चेक कर लेना है साड़ी उठी हुई ना हो एंड इसके बाद ये पल्लू से कवर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारी प्लीटें काफ़ी अच्छे से बैठ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारा पल्लू वाला पोर्शन जा रहा है ना उसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर देखिए पल्लू जा रहा है उसके नीचे यहाँ पर मैं ब्रोच वाली पिन लगाऊंगी। तो साइड से वन बाई वन प्लीट को अरेंज करना है एंड इसके बाद से यहाँ पर आपको सिक्योर करना है। तो यहाँ मैं ब्रोच वाली पिन का यूज़ कर रही हूँ, इसकी हेल्प से अगर आप सिक्योर करेंगी तो आपकी साड़ी का लुक भी अच्छा आता है और आपकी जो प्लीटें चलते वक्त इधर उधर बिखर जाती है ना तो वो प्रॉब्लम भी बहुत ही कम हो जाती है। एंड इसके बाद जो एक्स्ट्रा की हमने साड़ी पिन लगा रखी है इसे भी हम रिमूव कर लेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा फाइनल लुक है ना वो देख सकती हैं आप, कंप्लीट हो गया है। सो इस तरीके से आप अपनी साड़ी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो या सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।